आज तक मैंने अपने हार्डकोर वर्ल्ड में रिक्रिएट किया है वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैच्यू, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एंड वर्ल्ड्स मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग म्यूजियम ऑफ फ्यूचर। इन दोनों वीडियो में आप लोगों का प्यार देखकर मैंने ऐसा ही कुछ बनाने का डिसाइड किया। बट सी, मेरी एक प्रॉब्लम है, मुझ में कुछ अलग करने का कीड़ा है जो मतलब आज तक किसी ने ना किया हो, और वो भी अपनी स्टाइल में। तो फिर किया था मैंने रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया। बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट बिल्ड्स मिले बट वो ऑलरेडी माइनक्राफ्ट में बन चुके हैं। देन मेरी नजर में आया लोटस टेम्पल, जो कि वो यूनिक आर्किटेक्चर का अपने आप में ही एक एग्जांपल है। अब बिल्ड तो डिसाइड हो गया था, सो मैंने जल्दी से इसका क्रिएटिव वर्ल्ड में डिजाइन तैयार कर लिया। जल्दी से मतलब 3 वीक में। आई नो थोड़ा टाइम ज्यादा ले लिया डिजाइनिंग में, बट ऑफकोर्स अभी माइनक्राफ्ट में वर्ल्ड में किसी ने ना किया वैसा कुछ रिक्रिएट करना हो तो भी यार इतना टाइम तो जायज है ना, है ना? वेल, वो तो आपको पूरा वीडियो देखने पर पता चल ही जाएगा। सी, हमारी ये प्रोजेक्ट काफी मैसिव बनने वाला है, मतलब कि इसके लिए मटेरियल्स भी मैसिव ही लगेंगे। ये मटेरियल्स पे ध्यान देने से पहले जहाँ पर हम ये लोटस टेम्पल बनाने वाले हैं वो एरिया को टेराफॉर्म करना पड़ेगा। रफली 450 बाय 450 ब्लॉक्स के एरिया में बनेगा हमारा ये बिल्ड, और ये अराउंड 2 लाख ब्लॉक्स का एरिया होता है जहाँ बिल्ड बनाने से पहले टेराफॉर्मिंग करनी पड़ेगी। और उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी अस्त्र शस्त्र की, जो की हमें मिलेंगे विलेजर्स से, क्योर किए हुए टूल स्मिथ के पास से। लिटरली 1 एमराल्ड में डायमंड का कोई भी टूल मिल जाता है। इसकी एंचेंटमेंट थोड़ी आड़ी टेढ़ी होती है, उसके लिए हमारा लाइब्रेरियन है ना, जिसके पास से रिक्वायर्ड एंचेंटेड बुक्स लेकर टूल्स को एंचेंट कर देंगे। एज सिंपल एज दैट। गाइज, अभी जस्ट मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट ही की थी, हमारे पास एफिशिएंसी वाला विलेजर नहीं है और टूल्स के मामले में वो काफी इंपॉर्टेंट बुक है, सो विलेजर के पास ये भी निकलवानी पड़ेगी। अब लेट्स सी कितनी मेहनत करवाता है। ओ भाई, फाइनली गाइस, कितनी बार रिफ्रेश किया ट्रेड, हर बार विलेजर बी लाइक नहीं। चलो अब बारी है एंचेंटिंग की। हर टूल पर हमें एफिशिएंसी 5 प्लस अनब्रेकिंग 3 चाहिए, किसी में भी मेंडिंग नहीं लगाऊंगा, वो एक्सपी की झंझट बिल्कुल चाहिए ही नहीं, इसीलिए तो इतने सारे टूल्स रेडी कर रहे हैं। डायरेक्ट यूज एंड थ्रो। यहाँ फर्स्ट 2 एफिशिएंसी 4 को कंबाइन करके एफिशिएंसी 5 की बुक बनानी पड़ेगी। सो गाइज, यहाँ पर हमारा टूल वगैरह का काम समाप्त होता है और अब करनी है हमें ट्रांसफॉर्मिंग। चलिए तो चलते हैं अब लोकेशन की तरफ। गाइज, यहाँ से गुजर रहा था तो याद आया कि हमें थोड़े बहुत स्लाइम ब्लॉक्स की भी जरूरत है। जो लोग न्यू है ऑफ कोर्स उन्हें नहीं पता होगा ये है हमारा ओजी स्लाइम फार्म। बस इसके आसपास मंडराने पर ही ये स्लाइम्स के ढेर लगा देता है, और अगर AFK किया तब तो लिटरली स्लाइम की बारिश होती है। स्लाइम इसलिए लिया है क्योंकि हमें बनाना है एक फार्म जो है जायंट स्प्रूस ट्री फार्म। ये फार्म प्रोड्यूस करता है 1.5 लाख से भी ज्यादा लॉग्स पर आवर, जो कि इनफ होगा लास्ट वीडियो में बनाए हुए हमारे फर्नेस मॉन्स्टर को फीड करने के लिए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, इतने लार्ज फर्नेस मॉन्स्टर को ऑपरेट करने के लिए काफी ज्यादा फ्यूल की जरूरत पड़ती है। फार्म में से मिले हुए लॉग्स को फर्नेस में एज अ फ्यूल यूज करने वाले हैं। ऑफकोर्स रॉ लॉग्स को यूज नहीं करेंगे बल्कि उन्हें चारकोल में कन्वर्ट करके यूज करेंगे, क्योंकि एक लॉग से स्मेल्ट होती है 1.5 आइटम और एक चारकोल से 8 आइटम तक स्मेल्ट हो सकती है। सो नो वरीज, इतना दिमाग तो है आपके भाई में। कुछ पूछा मैंने कुछ। लो जी, बात करते करते बिल्ड की लोकेशन भी आ गई। आपको बताने के लिए रेंडर डिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा, सो अगर थोड़ा बहुत लैग हो तो संभाल लेना, बस कुछ ही सेकंड्स की बात है। ये स्क्रीन में जितनी जगह आप देख रहे हो ना वो पूरी की पूरी टेराफॉर्म होगी, और ये सब पेड़ पौधों को जलाना पड़ेगा और फार्म भी बनाना है। यप, दुख दर्द पीड़ा। बाय द वे, फार्म जो होगा ना वो बिल्ड का ही पार्ट होगा, ऐसा नहीं है कि फार्म को सेपरेट बनाना है। इनफैक्ट फार्म ही बिल्ड का मेन पार्ट है, जो कि अभी मैं नहीं बताऊंगा। डोंट वरी, लास्ट में आपको पता चल जाएगा। तो चलो बॉयज, काफी सारा काम करना है, बिना ज्यादा बकवास किए टाइम लैप्स स्टार्ट करते हैं।
बॉयज ये फार्म लिटरली इंसेंट सिर्फ 40 सेकंड में पूरा सल्कर बॉक्स प्रोड्यूस करता है। वुड की तो बिल्कुल झंझट ही खत्म आज से। अगर आपको लग रहा हो कि ये अंडरग्राउंड क्यों बनाया और ये सब डिजाइन वगैरह का क्या सीन है तो डोंट वरी, मैंने बोला था ना ये बिल्ड का ही एक पार्ट है। सो कंप्लीट हो जाने पर इट विल मेक सेंस। ये फार्म का सल्कर लोडर जो कि मैंने अलग से एड किया है, फार्म के डिजाइन के साथ नहीं था ये। एंड यू कैन सी आउटपुट हियर, बस 4-5 मिनट फार्म को रन किया था उसमें इतने सल्कर बॉक्स फिल हो चुके हैं। एंड एज ऑलवेज फार्म के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पूरे फार्म को ऑपरेट बस ये एक लीवर से कर सकते हैं। देन प्लेयर को कार्ट में बैठकर बस सैपलिंग्स प्लेस करनी है। चलो बिल्ड के लिए बाकी मटेरियल इकट्ठा कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहले चाहिए कैल्साइट। ये ब्लॉक ऐसा है ना गाइस जिसका फार्म नहीं बन सकता, ये आपको या तो जीवोड में या फिर ऐसे माउंटेन के ऊपर ही देखने को मिलेगा। भाइयों एडिटर तैफू स्पीकिंग, थोड़ा बहुत रिसर्च करने के बाद अब मुझे रियलाइज हुआ कि मेसन विलेजर एमरल्ड्स के बदले कैल्साइट ट्रेड करता है यार, और मैं बिल्कुल गधों की तरह यहाँ मजदूरी करने चला आया। चलो तो अब वैसे भी क्या कर सकते हैं, मेहनत की है तो टाइम लैप्स एंजॉय करो। अब बारी ये स्टोन ब्रिक्स की। ये कोबल स्टोन फार्म में से स्टोन तो इजीली मिल जाएंगे और ये स्टोन को कन्वर्ट कर लेते हैं ब्रिक्स में। लोटस टेम्पल का जो मेन व्हाइट पार्ट है ना वो बनाना है स्नो से, स्नो ब्लॉक से, और उसके लिए क्रिएट कर लेते हैं छोटा सा सेटअप। गाइस स्नोबॉल्स को कलेक्ट करने के लिए सिल्क टच का शवल नहीं चलता, सो हमें यूज करना पड़ेगा नॉर्मल शवल। एंड बूम जस्ट लाइक दैट वर्ल्ड्स इजीएस्ट फार्म इज कंप्लीट। अब जस्ट स्नोबॉल्स को स्नो ब्लॉक्स में कन्वर्ट करना है। इस तरीके से बहुत ही आसानी से हम जितने चाहे उतने स्नो ब्लॉक्स कलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही एक और मटेरियल हट गया चेकलिस्ट से। अब वापस जाना है म्यूजियम ऑफ फ्यूचर की ओर। यहाँ पर हमें विलेजर के साथ ट्रेडिंग करनी है ब्रिक की, जो की लेटर कन्वर्ट होगी ब्रिक्स में। इस बार तो विलेजर के साथ काफी गहरा बॉन्ड रहा। वैसे अपने को क्या है, ने को तो सिर्फ माल निकलवाना है। कैन सी हियर 1 एमराल्ड में 10 ब्रिक मिलती है। आई गेस इतने विलेजर्स से नहीं होगा, बाकी के जो नल्ले बैठे हुए उनको भी जॉब देनी पड़ेगी। हाँ भाइयों तो टाइम आ चुका है 3 महीने की मेहनत को आपके सामने रखने का। रियली होप कि आपको बिल्ड पसंद आए। बाकी इंजॉय द टाइम लैप्स।
देखिए बॉयज, व्हाट डू यू थिंक, लग रहा है ना ब्यूटीफुल प्लस परफेक्ट। बिल्कुल छोटी से छोटी डिटेल्स पर भी ध्यान दिया है, सो ऑफ कोर्स एकदम जोड़ तो लगेगा ही। बाहर का स्ट्रक्चर भी IRL लोटस टेम्पल में SI बिल्कुल सेम रिक्रिएट किया है, एंड ऑल ओवर इट्स टर्न आउट रियली गुड। यहाँ पुल से भी आप अंदर एंट्री कर सकते हो, जिसके लिए यहाँ पर डोर लगाए हुए। एंड जस्ट लुक एट दिस, क्या चीज बना दी यार। अंदर का एनवायरमेंट डार्क एंड बिल्कुल पीसफुल रखा है, और ये जो आप एक्वेरियम देख रहे हो ना, उसमें अभी एक भी फिश वगैरह ऐड नहीं की है, उसके लिए एक मस्त आइडिया है। अब से हर वीडियो में पिछले वीडियो की कमेंट्स में से जो मुझे पसंद आए उसमें से एक दो सिलेक्ट करेंगे, और वो कमेंट जिसने की होगी उसके नाम के फिश इसमें ऐड करेंगे, और इस तरीके से उसको हमारे वर्ल्ड में परमानेंट शाउट आउट भी मिल जाएगा। और चलो इसकी शुरुआत अभी से ही कर देते हैं, बट कमेंट सिलेक्ट करने से पहले आपको एक बार नीचे से ये पूरा नजारा दिखा देता हूँ। यहाँ अंदर इतना डार्क होने पर भी लाइटनिंग इस तरीके से की है ना कि एक मॉब भी स्पॉन नहीं हो सकता। बाहर से चमकती हुई एक ग्लो स्क्विड काफी सही लगते हैं। बाहर जाने के भी दो रास्ते हैं, अलाइट्रा और उठकर जाना हो तो यहाँ से निकल सकते हो, वरना यहाँ नीचे से भी निकल सकते हो। बाय द वे ये है रात का नजारा, यहाँ पे देख सकते हो हर टाइप के फिश कलेक्ट करके रखी हुई है, इवन एक्सोलोटल्स भी। बट आपको तो उसका और फिश का रिश्ता पता है, दोनों को साथ में नहीं डाल सकते। मैं सोच रहा था कि पहली बार है तो इस बार कमेंट ज्यादा सिलेक्ट करते हैं। पिछली वीडियो में जिन्होंने कमेंट किया था उसमें से शाउट आउट मिलता है। हीरो एक्स अमेंसिंग 3006 अल्फाशान शेरसिया एंड ADLUC। सो गाइज ये हमने रिक्रिएट किया है लोटस टेम्पल को माइनक्राफ्ट हार्डकोर में। अगर पसंद आए हो तो ये स्टेच्यू ऑफ यूनिटी वाला वीडियो आप देख सकते हो।